हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन माय केमिस्ट्री ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम परीक्षा में पूछे जाने वाले नेम्ड रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिंकलस्टीन रिएक्शन ले रहे हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखिए जब किसी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं हो पाता है तो हम फिंकलस्टीन रिएक्शन के द्वारा एल्किल हैलाइड का आयोडीनेशन करते हैं और हमको आयोडो एल्केन या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखिए हम किसी भी एल्किल हैलाइड का डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए हम फिंकलस्टीन रिएक्शन का उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, जो आप क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन लेते हैं, इसका आयोडीनीकरण किया जाता है। तो आयोडीनीकरण होने पर क्या होता है, आयोडीन के परमाणु क्लोरीन या ब्रोमीन के परमाणु के स्थान पर आ जाते हैं और इस प्रकार से हमको एल्किल आयोडाइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, यानी एक प्रकार का एक्सचेंज रिएक्शन या विनिमय अभिक्रिया है। तो पहले हम कोई भी, जैसे सपोज कर लीजिए हम क्लोरो एल्केन ले रहे हैं, क्लोरो एल्केन लिया हमने, तो इसके साथ में हम सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया कराएंगे एसीटोन के प्रेजेंस में, इसको हीट किया जाएगा तो गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, हमको एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड। और यहां पर सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। एग्जांपल लेते हैं CH3CH2Cl प्लस NaI एसीटोन के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे और यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा CH3CH2I प्लस NaCl। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस क्लोरीन के स्थान पर ये आयोडीन परमाणु आया हुआ है और आयोडीन के स्थान पर ये क्लोरीन परमाणु आया हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन और आयोडीन की अदला बदली हुई है, इसलिए जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है ये प्रकार का एक्सचेंज रिएक्शन है। तो इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड का आयोडीनीकरण आसानी से फिंकलस्टीन अभिक्रिया के द्वारा कर लेते हैं। धन्यवाद।